ये एक बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर तीन ब्लॉक्स बनाए गए हैं ए बी एंड सी और तीनों के अंदर टू बेड लाउंज टू बेड डीडी एंड थ्री बेड डीडी अपार्टमेंट इसके अंदर अवेलेबल है। आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक और अपार्टमेंट का टूर लेके। ये अपार्टमेंट बहुत ज्यादा खूबसूरती के साथ रेनोवेट नहीं किया गया, जिसके अंदर वो जो शशके वगैरह दिए जाते हैं वो सारी चीजें नहीं है इसके अंदर। लेकिन इस अपार्टमेंट की वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि अब मैंने ये सोचा है कि मैं गुलिस्तान जौहर के ऐसे अपार्टमेंट्स को प्रमोट करूँ जहाँ के रहने वाले अच्छे हैं, जहाँ की कम्युनिटी अच्छी है और जहाँ के यूनियन वाले जो है वो अपने प्रोजेक्ट के साथ, अपने लोगों के साथ और अपने घर के प्रोजेक्ट के साथ मुखलिस हैं और किसी भी किस्म की यहाँ पे मसले मसाइल नहीं है और प्रोजेक्ट को मेंटेन करके रखा हुआ है। और उसके अंदर आपको साइड बाय साइड हर चीज नजर आती रहेगी। ये एक बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर तीन ब्लॉक्स बनाए गए हैं ए बी एंड सी और तीनों के अंदर टू बेड लाउंज टू बेड डीडी एंड थ्री बेड डीडी अपार्टमेंट इसके अंदर अवेलेबल है। आज हम जिसका रिव्यू करने आए ये एक फोर्थ फ्लोर का अपार्टमेंट है टू बेड डीडी का, जिसका स्क्वायर फीट है तकरीबन, अगर मैं ग्रॉस की बात करूं तो ग्रॉस तकरीबन 1200 आएगा और नेट एरिया की बात करूं नेट एरिया है अप्रॉक्सीमेटली यहां पे होगा तकरीबन कोई 1070-1080। टू बेड डीडी का ये अपार्टमेंट प्रॉपर लीज अपार्टमेंट है जिसके ऊपर तमाम तरीके के लोन अप्रूव हो जाते हैं और लोन के साथ साथ कार पार्किंग अवेलेबल है। और मैंने उसके साथ साथ जो है कार पार्किंग के ऊपर का जो रूफ है उसकी भी मैंने जो है ना वीडियो बनाई है, जो कि आपको शॉर्ट्स के अंदर नजर आ रही है कि किसी भी किस्म की जो है ना सेम सीपेज वगैरह यहाँ पर लीकेज का कोई भी मसले मसाइल यहाँ पर नहीं। और एज इट इज फ्लैट के अंदर भी यही है कि पूरे फ्लैट के अंदर मैं आपको वॉक अराउंड दूंगा तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी लीकेज या सेम का किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। इसका टू बेड डीडी का जो रेंटल है वो रेंटल यहाँ पे तकरीबन 37,000 रुपये तक यहाँ का रेंटल आ जाता है और 2,000 रुपये इसकी मेंटेनेंस है। लिफ्ट अवेलेबल है, स्टैंड बाय जनरेटर, पीने के लिए मीठा पानी है, लाइट का कोई मसला नहीं है, स्टैंड बाय जनरेटर है यहाँ पर। तमाम जो सहूलतें एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए वो तमाम एमिनिटीज़ यहाँ मौजूद हैं। अब मैं प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ इस अपार्टमेंट के बारे में। तो हम यहाँ से इंटर होते हैं, इंटर होने के साथ ही हमारे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पे ड्राइंग रूम अवेलेबल है। ड्राइंग रूम के अंदर लाइट नहीं है लेकिन आपको वीडियो के शॉट्स में जो है ना हर चीज़ नज़र आ जाएगी। जैसे ही मैं आता हूँ आगे तो ये हमारा जो है ना लाउंज एरिया है और लाउंज एरिया के बैक साइड के ऊपर ये हमारा किचन है। रेनोवेट किया गया है, बनाया गया है, मार्बल टॉप भी जो है और नए जो कैबिनेट्स हैं वो सारी चीज़ें नई लगाई गई हैं। अगर मैं ये बात करूँ ऐसे लोगों से जो इसको ख़रीद के रेनोवेट करके बेचना चाहते हैं तो मेरा पर्सनली मशवरा होगा कि अगर मैं ये फ्लैट लेता तो ये वाली वॉल मैं निकाल देता और ये वाली वॉल भी मैं निकाल लेता और इन दोनों वॉल्स को निकालने के बाद जो है वो मैं इसको ओपन स्टाइल किचन बनाता और किचन बनाने के साथ साथ यहाँ पर एक जो है काउंटर होना चाहिए था। यहाँ पे काउंटर के साथ ये ओपन स्टाइल में एल शेप में किचन होता जो कि अच्छा लगता। यहाँ सामने आप इसको खूबसूरती के साथ यहाँ पर आप एक मीडिया वॉल डिज़ाइन कर सकते हैं। उन लोगों से मुखातिब हूँ जो इसको रेनोवेट करके सेल आउट पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं। यहाँ पर आप इसकी खूबसूरत सी मीडिया वॉल बना सकते हैं, ऊपर डिसेंट मिनिमल आप बना दें फोर सीलिंग। और फोर सीलिंग के साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप ऊपर की साइड पे देखें इंटर के अंदर फ़ैन और फ़ैन के दोनों साइड्स के ऊपर से जो है ना बिल्डर की तरफ से शिल्डिंग लगाया जाता है, उसके लिए पहले से दिया गया है। एक के ऊपर पहला बेडरूम है और मेरी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पर दूसरा बेडरूम है। दोनों बेडरूम से जाने के लिए जो पाउडर एरिया दिया गया है, इस पाउडर एरिया के अंदर मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पर स्टोर अवेलेबल है, जो कि स्टोर एक टू बेड डीडी के अपार्टमेंट में नहीं दिया जाता लेकिन यहाँ अवेलेबल है।
अब हम आ जाते हैं अपने बेडरूम के अंदर। स्पेशियस मास्टर बेडरूम है ये। बेडरूम के अंदर आप दीवारों के अंदर देखें कहीं भी आपको सेम नज़र नहीं आएगी, लीकेज नज़र नहीं आएगी, कहीं से कोई लीकेज नहीं है। बेड के ऊपर यहाँ पे अच्छा मिनिमल साइज़ का अटैच बाथ दिया गया है। बेड के साथ साथ अगर मैं बताऊँ तो 10x14 अप्रॉक्सीमेट इसका साइज़ होगा, फिर भी अगर मैं बताऊँ तो इतना अंदाज़ा तो हो चुका है कि 10x14 नहीं तो 10x13.5 का साइज़ है इसका। मेरी बेड साइड के ऊपर यहाँ पे टेरेस अवेलेबल है जो कि ओपन होती है कंपाउंड में, और उसी के ऊपर यहाँ पर आपका वाटर टैंक दिया गया है। वाटर टैंक दूसरे बेडरूम के अंदर आ जाऊँ तो दूसरा बेडरूम जो है वो उससे थोड़ा सा छोटा है। अगर वो बराबर वाला 10x13 था तो ये 10x11 का होगा तकरीबन। अच्छा मिनिमल साइज़ है। बैक साइड के ऊपर यूजुअली यहाँ पे आपको यहाँ पे अटैच बाथ नज़र आता है। और इसकी एक ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें ना किचन ही बाथरूमों के अंदर जो है ना कोई एडिशनल वाटर टैंक दिया गया है, जो कि एक 20 से 22 साल पुराने प्रोजेक्ट के अंदर एक ये बहुत अच्छी खूबसूरत बात है। पर जो टैंक दिया गया है सिर्फ टेरेस के अंदर दिया गया है, और टेरेस में एक टैंक लगा हुआ है, तो इसका वाज़े रीज़न ये है कि यहाँ पे पानी डेली आता है और आपको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ 2-3 दिन बाद छोड़ छोड़ के आता है, वहाँ के अंदर आपको जो है वो किचन के लिए अलग टंकी लगी हुई होती है, अलग टैंक लगे हुए होते हैं। तो ये छोटा मिनिमल सा जो है वो आपको एक टूबर डीडी का वॉक अराउंड था। इसकी डिमांड जो ऑनर की तरफ से की जा रही है वो करी जा रही है 1.10 करोड़ रुपए। बहुत अच्छे पैसों के अंदर ये मिल भी सकता है, हो सकता है कि 1 करोड़ के अंदर भी आपको ये मिले। पता है कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी पेमेंट करने की। असर जो है वो अगर मैं अपनी नज़र से देखूँ कि अपार्टमेंट के अंदर और क्या हो सकता है, तो मेरी नज़र में इस अपार्टमेंट के अंदर तकरीबन कोई 4-4.5 लाख रुपये लगाए अगर के तौर पे वो लेता है 1 करोड़ पूरे का भी अगर लेता है तो, और पावर के साथ साथ अगर इसके ऊपर 5 लाख रुपए वो लगाता है तो उस करोड़ 5.5 लाख रुपए का मिलेगा एक्स्ट्रा वर्क के साथ। टाइम कर देगा तो तकरीबन 2 लाख और ऊपर हो जाएंगे, तो 7-7.5 लाख रुपए का उसका 1.7-1.8 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 20 लाख रुपए की वर्थ रखता है ये प्रोजेक्ट। ये नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, इसके हवाले से जो भी आपको डिटेल चाहिए हो वो हम अपने नंबर पे दे दिया करेंगे। इस वीडियो के अंदर 2 लोगों के नंबर होते हैं, एक मेरा और एक मेरे साथ मेरा दोस्त होता है मुनीब, उसका। अगर मैं कॉल ना रिसीव कर सकूँ तो मुनीब करेगा, मुनीब ना कर सके तो मैं करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।